सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ फोल्ड के बारे में बताऊंगा, और ये बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो नंबर लिखे होते हैं इसका क्या मतलब होता है, और इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन लिखी है उसका क्या मतलब है वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इस बोल्ट की बात कर लेते हैं, और इस बोल्ट की बात कर लेते हैं तो ये तो एक नॉर्मल सा स्टैंडर्ड बोल्ट है, जो कि मैट्रिक टाइप का है, और ये इंचिस टाइप के बोल्ट हैं, जिसे हम BSW स्टैंडर्ड कहते हैं, जैसे कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड जिसे हम कहते हैं। और ये इसके जो थ्रेड का जो पूरी लेंथ है वो 1 इंच है, तो फिलहाल वो अलग टॉपिक है। तो हमारा सिर्फ आज का टॉपिक है सिर्फ इन नंबर्स पर है, इनका क्या मतलब है। तो गाइज, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें तो इसमें कुछ नंबर लिखे हैं, शायद आपको क्रोजन की वजह से जहाँ नहीं दिख रहे होंगे। यहाँ देखिए, इसका जो ऊपर नंबर है वो 5.8 मेंशन किया गया है, और इस पे साफ साफ जहाँ पर दिख रहा है, जस्ट जहाँ पर 8.8 जहाँ पर नंबर मेंशन किया गया है, और इसके बारे में हम बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम एक आपको यहाँ पर कुछ बता देते हैं। तो सबसे पहले हम इस बोल्ट की बात करते हैं, ये वाला। तो इसका जो नंबर जहाँ पर लिखा गया है जो है 5.8, ये इसका स्टैंडर्ड है, जो कि एक ISO स्टैंडर्ड है, जो कि आपको पता है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो कि इसमें इस जो बोल्ट है इसका जो स्टैंडर्ड यहाँ पर दे गया है, स्टैंडर्ड कोड जिसे हम कहते हैं, और इसका क्या मतलब है। अगर हम 5.8 देखें तो इसकी फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट है। तो फर्स्ट डिजिट जो है ये वाली, ये मेंशन करती है टेंजाइल स्ट्रेंथ को, या फिर हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी इसे बोल सकते हैं। और इसकी जो सेकंड डिजिट है वो जहाँ पर जो मेंशन करती है जील्ड स्ट्रेंथ को। ठीक है गाइस, तो हम इनका यूज क्यों करते हैं। सो गाइस, जहाँ पर जो ये नट और बोल्ट होते हैं इनका डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड होता है, और ये डिफरेंट डिफरेंट जो साइड है उसमें यूज होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई हैवी लोड है, वाकई कुछ ज़्यादा हैवी लोड है तो आप इसको यूज कर देंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा आपका जो स्ट्रक्चर है पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। और ये वाला जो बोल्ट है ये कुछ हैवी लोड जो होते हैं उन मशीन के लिए यूज होते हैं, और ये कुछ मीडियम लोड के लिए यूज होता है। तो इसमें जो टेंजाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही जहाँ पर जरूरी हो जाती है। तो इसकी हम टेंजाइल स्ट्रेंथ अपन निकाले, तो अगर यहाँ देखिए टेंजाइल स्ट्रेंथ निकाले तो जैसे कि 5 है, 5 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जहाँ पर ये 500 न्यूटन पर MM स्केयर आ जाएगी, या फिर हम इसको मेगा पास्कल भी कह सकते हैं। और हमारी जो नेक्स्ट डिजिट आती है ये वाली, ये इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है, जो कि यहाँ पर 0.8 दिया गया है। 0.8 का मतलब जहाँ पर 80% ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ हम कह सकते हैं। अगर हम इसकी यील्ड स्ट्रेंथ जो इसकी अगर हम देखें, इसे हम जो इसकी मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है उसको जो जील्ड पॉइंट होता है, आपको पता है कि जिस पर जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, जिसे हम जिसके अगर हम इसके ज़्यादा स्ट्रेंथ जहाँ पर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो हमारा जो जो स्ट्रक्चर का स्पेसिमेन होगा उसको बियर नहीं कर सकता। तो जहाँ पर अगर इसकी देखें तो ये अप्रोक्स 400 न्यूटन पर मिलीमीटर आ जाती है। तो इसका मतलब
जो ये है, जो 80% उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो 400 मेगापिक्सल है। तो ये होता है एक टेंजा स्ट्रेंथ में और एक जिसकी जो जील स्ट्रेंथ होती है। तो यही होता है और कुछ नहीं होता है इसमें। जो स्टैंडर्ड लिखे हैं, जो ISO स्टैंडर्ड अप्रूव्ड होते हैं, तो आपको मैंने बता दिया कि इनका जो यूज होता है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में होता है। हैवी लोड के लिए ये यूज होते हैं और अगर हम लो लोड के लिए करें तो ये यूज होते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो गाइस, अब हम इसकी अगर कैलकुलेशन करें टेंजाइल स्ट्रेंथ या फिर यील्ड स्ट्रेंथ की, तो चलिए बताते हैं। तो इसकी जो जहाँ पर मेंशन किया गया है वो 8.8 है। तो सबसे पहले हम टेंजाइल स्ट्रेंथ देखते हैं। तो इसकी टेंजाइल स्ट्रेंथ 8 है। हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 मेगापास्कल ये आ जाएगा। अगर हम इसकी जील स्ट्रेंथ को देखें तो इसका जो 80% है, जो 0.8 मेंशन किया गया है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसकी टेंजाइल स्ट्रेंथ का हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो जहाँ पर ये आ जाएगा 6.0 मेगा पास्कल, यानी कि 640 मेगा पास्कल आ जाएगा जो इसकी जील स्ट्रेंथ है। अगर हम इससे ज़्यादा जो इसका जो लोड है जहाँ पर करेंगे इसके जील पॉइंट से, तो इसके जो स्ट्रक्चर में फिर प्रॉब्लम आने लगेगी। लेकिन इसके 80% जो लोड है जहाँ पर जो इजीली बियर कर सकता है, अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर फिर धीरे धीरे डैमेज होने लगेगा। तो यही इसके जहाँ पर मेंशन किया गया है। और ये ISO स्टैंडर्ड जो अप्रूव्ड होते हैं बोल्ट बेसिकली इसके लिए यूज होते हैं। तो यही होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हैवी स्ट्रेंथ के लिए इसको यूज करेंगे, अगर कोई मीडियम लोड है तो इसको यूज करेंगे। तो यही इसमें मेंशन किया गया है। और इसके जो टेंजाइल स्ट्रेंथ, इसके जो जेल स्ट्रेंथ है, इसके अकॉर्डिंग ही हम जो स्ट्रक्चर होगा उसको ध्यान में रखते हुए हम फिर नट और बोल्ट का यूज करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।